अपेक्स बीट क्या है, हम जानेंगे अपेक्स बीट के बारे में। अपेक्स बीट आल्सो कॉल्ड पॉइंट ऑफ द आउट ऑफ द मैक्सिमम इम्पल्स। अपेक्स बीट आल्सो कॉल्ड द पॉइंट ऑफ द मैक्सिमम इम्पल्स इज मोस्ट पॉइंटेड आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड, आउटवर्ड लेटरली एंड डाउनवर्ड इन्फीरियर फ्रॉम द स्टर्नम एज विद कार्डियक इम्पल्स कैन बी फेल्ट। तो अपेक्स बीट क्या है इसे जानने के लिए हम समझेंगे इस डायग्राम से। तो जो अपेक्स बीट होती है मोस्ट पॉइंटेड आउटवर्ड, आउटवर्ड होती है अपेक्स बीट, आउटवर्ड अपेक्स बीट होगी, उसका जो इफेक्ट होगा उसका इफेक्ट कैसे होगा, आउटवर्ड एंड लेटरली। तो यह आउटवर्ड लेटरली होती है, डाउनवर्ड इन्फीरियरली फ्रॉम द स्टर्नम। आउटवर्ड लेटरली होती है एंड डाउनवर्ड इन्फीरियरली फ्रॉम द स्टर्नम एट विच अपेक्स बीट फेल्ट, अपेक्स बीट कार्डियक इम्पल्स इज फेल्ट। तो यहाँ पे अपेक्स बीट का निर्माण होता है स्टर्नम से, आउटवर्ड लेटरली होती है एंड डाउनवर्ड इन्फीरियरली होती है। तो यहाँ तो अपेक्स बीट कहाँ पे महसूस होती है, स्टर्नम से, फ्रॉम द स्टर्नम, आउटवर्ड लेटरली एंड डाउनवर्ड इन्फीरियरली, इसे बोलते हैं अपेक्स बीट। तो अपेक्स बीट कार्डियक इम्पल्स इज द रिजल्ट ऑफ द हार्ट रोटेटिंग मूविंग फॉरवर्ड एंड स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द चेस्ट वॉल ड्यूरिंग सिस्टोल। कार्डिक इम्पल्स इज द रिजल्ट ऑफ द हार्ट रोटेटिंग। जो कार्डिक इम्पल्स है कैसे बनती है, किस परिणाम के थ्रू बनती है, तो हार्ट रोटेशन के से बनती है, मूविंग फॉरवर्ड हार्ट की मूविंग फॉरवर्ड मूवमेंट के थ्रू बनती है, स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द चेस्ट वॉल, जो हार्ट है अगेंस्ट द चेस्ट वॉल जो उसका प्रहार होगा या फोर्स होगा उसके थ्रू बनती है, ड्यूरिंग सिस्टोल, सिस्टोल की कंडीशन में, ड्यूरिंग सिस्टोल की कंडीशन में ये कार्डियक इम्पल्स बनती है। तो कार्डियक इम्पल्स सिस्टोल, जब सिस्टोल होता है हार्ट में, ड्यूरिंग सिस्टोल वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, जब इसमें सिस्टोल होगा तो कार्डियक इम्पल्स बनती है। क्यों बनती है, सिस्टोल के दौरान हार्ट में रोटेशन होता है, मूवमेंट होता है फॉरवर्ड, और चेस्ट वॉल की में फोर्स, चेस्ट वॉल में फोर्स होने की वजह से कार्डियक इम्पल्स का निर्माण होता है ड्यूरिंग सिस्टोल में। तो इट इज आल्सो नोन एज एपिकल इम्पल्स। जो अपेक्स बीट है इसको एपिकल इम्पल्स भी बोला जा सकता है, तो इसे बोलते हैं एपिकल इम्पल्स। पोजीशन ऑफ द अपेक्स बीट, अपेक्स बीट कहाँ पे फेल्ट होती, जो नॉर्मल अपेक्स बीट होती वो कहाँ पे फेल्ट होती, पल्पेटिंग इन द लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, स्पेस हाफ इंच मीडियल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन। अपेक्स बीट की पोजीशन क्या होगी, पल्पेटेड इन द लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस हाफ इंच मीडियल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन। तो ये कहाँ पे फेल्ट होती, फेल्ट होती है अपेक्स बीट, लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, जो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है ये यहाँ पे नहीं है, ये पीछे वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये सिक्स वाला इंटरकोस्टल स्पेस नहीं, ये पीछे का पोर्शन दिखाने के लिए इस तरह का डायग्राम बनाया गया है। तो अपेक्स बनाया गया है समझने के लिए। तो हम अपेक्स बीट कहाँ पे फिट होती, फेल्ट होती है लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, ठीक है, और स्लाइटली मीडियल टू मिड, ये है क्लेविकल, ये क्लेविकल की मिड क्लेविकुलर लाइन है, तो इसकी स्लाइटली मीडियल होती है, ठीक है। इस डायग्राम से अंदाजा लगा सकते हैं, पूरा परफेक्ट तो नहीं बता शो हो रहा है यहाँ पे, लेकिन ये है कि अंदाजा लगाने के लिए हमने ये डायग्राम बनाया है कि इस तरह की होती है। तो मिड क्लेविकुलर लाइन ये है, तो मिड क्लेविकुलर लाइन से स्लाइटली मीडियल होती है अपेक्स बीट, तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में एंड मीडियल टू द, स्लाइटली मीडियल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन में अपेक्स बीट को फेल्ट किया जा सकता है। एबनॉर्मलिटी ऑफ द अपेक्स बीट, एबनॉर्मलिटीज ऑफ द अपेक्स बीट में क्या क्या एबनॉर्मलिटियां देखने को मिलती है, लेटरल एंड इन्फीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपेक्स बीट यूजुअली इंडिकेट इनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट। नॉर्मल अपेक्स बीट कैसी होती है, पल्पेटेड होती है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, स्लाइटली मीडियल टू द मिड क्लेविकुलर लाइन, लेकिन यदि
हार्ट में इनलार्जमेंट हो जाए, इनलार्जमेंट की कंडीशन में कोई और अदर डिसीज हो जाए, तो उस दौरान पे कैसे कहाँ पे फील्ड होगी, लेटरल एंड इनफीरियर डिस्प्लेसमेंट, लेटरली महसूस होगी, थोड़ा सा लेटरली हो जाएगी एंड इनफीरियर जो होगी हार्ट बीट, जो एपिकल इम्पल्स होगी, अपेक्स बीट होगी, वो इन्फीरियर हो जाएगी एंड लेटरली हो जाएगी। नॉर्मली में ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में महसूस होती है, तो उस कार्डियक इनलार्जमेंट के दौरान या कार्डियोमेगेली इसे कहते हैं, ठीक है। तो अपेक्स बीट में आल्सो बी डिस्प्लेस्ड बाय अदर कंडीशन, जो अपेक्स बीट होगी अदर कंडीशन में, और अदर जो कंडीशन होगी जिसमें अपेक्स बीट का प्लेस डिस्टर्ब हो जाएगा या चेंज हो जाएगा, तो वो कौन कौन सी कंडीशन है, ए थिक चेस्ट वॉल, जब चेस्ट वॉल थिक हो जाएगी, ठीक है, इनलार्ज इम्फाइशिमा की कंडीशन में भी अपेक्स बीट का प्लेस चेंज हो जाएगा, एंड पेरिकार्डियल इफ्यूजन, जब पेरिकार्डियल जो होगी पेरिकार्डियल स्पेस होगा इसमें इफ्यूजन हो जाए, उस दौरान भी अपेक्स बीट का जो स्थान है वो चेंज हो जाएगा। शॉक एंड डेक्स्ट्रोकार्डिया, शॉक हो जाए, शॉक की कंडीशन में डेक्स्ट्रोकार्डिया हो जाए, उस दौरान भी अपेक्स बीट चेंज हो जाएगी। रोलिंग द पेशेंट इनटू द लेफ्ट लेटरल पोजीशन में इनेबल टू अपेक्स बीट टू बी पल्पेबल, जब पेशेंट को लेफ्ट साइड एंड लेटरल पोजीशन में जिसे बोलते हैं करवट बोलते हैं, जो करवट होती है लेफ्ट करवट लेके यदि पेशेंट लेट जाता है तो अपेक्स बीट को फेल्ट करना इनेबल हो जाता है, या मतलब अपेक्स बीट फेल्ट नहीं हो पाती है इस कंडीशन में। एबनॉर्मलिटी ऑफ द अपेक्स बीट कौन कौन सी है देखी जाएगी, कब देखी जाएगी एबनॉर्मलिटी ऑफ द अपेक्स बीट में, तो वॉल्यूम ओवरलोड हो जाने के दौरान, वॉल्यूम ओवरलोड मतलब वेंटिकल में ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाने से अपेक्स बीट की कंडीशन एबनॉर्मल हो सकती है। क्यों, किस वजह से ओवरलोड हो सकता है वॉल्यूम, माइट्रल एंड एओटिक रिगर्जिटेशन, माइट्रल वॉल्व में एंड एओटा में रिगर्जिटेशन होने की वजह से वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा, हो सकता है, और वॉल्यूम ओवरलोड हो जाने की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अपेक्स बीट का एंड फोर्सफुल हो जाएगी, जो अपेक्स बीट होगी उसका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है एंड फोर्सफुल, जो अपेक्स बीट होगी वो फोर्स, उसका फोर्स बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाने से, लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ जाने की वजह से अपेक्स बीट एबनॉर्मल हो जाती है। जैसे कि प्रेशर ओवरलोड कब होता है, एओटिक स्टिनोसिस हो जाए, एओटा में स्टिनोसिस हो जाए एंड हाइपरटेंशन हो जाए, इस दौरान प्रेशर बढ़ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। डिस्कैरेट तो अपेक्स बीट में प्रेशर ओवरलोड हो जाने के से अपेक्स बीट में क्या परिवर्तन होगा, डिस्कैरेट, तो डिस्कैरेट मतलब असतत, कोई निश्चित नहीं हो जाएगी, असतत होगा, मतलब उस असतत हो जाएगी, एंथ्रस्टिंग थ्रसिंग मतलब जोरदार हो जाएगी, जो अपेक्स बीट है वो जोरदार तेज हो जाएगी। डिस्काइनेटिक लेफ्ट वेंटिकुलर एनिरिज्म, डिस्काइनेटिक कब होगी, तो डिस्काइनेटिक में क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म में डिस्काइनेटिक कंडीशन देखी जाएगी, जिसमें अपेक्स बीट क्या होगी, डिस्प्लेस हो जाएगी एंड इनकोऑर्डिनेटेड, कोऑर्डिनेशन उसका इम्बैलेंस हो जाए, कोऑर्डिनेटेड नहीं होगी अपेक्स बीट, और प्लेस भी उसका चेंज हो जाएगा। पल्पेबल S1, यदि अपेक्स बीट के दौरान S1 फर्स्ट हार्ट साउंड पल्पेबल होगा तो उसे बोलेंगे टैपिंग अपेक्स बीट। तो यह कंडीशन कब पाई जाएगी, माइट्रल वाल्व स्टिनोसिस में, अपेक्स बीट के दौरान यदि S1 साउंड यदि पल्पेट हो रहा है तो यह कंडीशन कब देखी जा सकती है, माइट्रल वाल्व स्टिनोसिस में, उसे माइट्रल वाल स्टिनोसिस की कंडीशन में देखा जाता है। पल्पेबल P2, जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाए तो सेकेंड हार्ट साउंड पल्पेबल P2 सेकेंड हार्ट साउंड यदि अपेक्स बीट के दौरान यदि ऑडिबल हो रहा है तो मतलब पल्मोनरी हाइपरटेंशन की कंडीशन हो तो अपेक्स बीट के दौरान P2 हार्ट साउंड ऑडिबल होगा। लेफ्ट पैरास्टर्नल हैव एंड लिफ्ट फैट बाय द हील ऑफ द हैंड, राइट वेंटिकुलर हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट पैरास्टर्नल हैव
और लिफ्ट लेफ्ट पैरा एक्सटर्नल हैब एंड लिफ्ट कब फेल्ट होगी फेल्ट बाई हील राइट वेंटिकुलर हाइपरट्रॉफी यदि होगी राइट वेंटिकुलर में हाइपरट्रॉफी हो जाने से लेफ्ट पैरा एक्सटर्नल हैब एंड लिफ्ट फेल्ट बाय द हील ऑफ द हैंड जो हील होगी मेटाकार्पल बोन जहां पे पाई जाती हैं यदि राइट वेंटिकुलर में हाइपरट्रॉफी है तो लेफ्ट पैरा एक्सटर्नल हैब एंड लिफ्ट को फेल्ट किया जा सकता है हील ऑफ द हैंड के थ्रू. द पल्पेबल थ्रिल एओटिक स्टिनोसिस के दौरान पल्पेबल थ्रिल को महसूस किया जाता है. एओटा में स्टिनोसिस हो जाए तो पल्पेबल थ्रिल को महसूस किया जाता है. ऐसे ए नोड इज सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ द सुपीरियर वेना केवा एंड राइट एट्रियम. ऐसे ए नोड इज सिचुएटेड ऐसे ए नोड कहाँ पे सिचुएटेड होती है तो ऐसे ए नोड हम जानेंगे इस डायग्राम से. तो एस ए नोड सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ द सुपीरियर वेना केवा एंड राइट एट्रियम. तो एस ए नोड सिचुएटेड होती है एट द जंक्शन ऑफ द सुपीरियर वेना केवा एंड राइट एट्रियम जहां पे सुपीरियर वेना केवा एंड राइट एट्रियम का राइट एट्रियम का जंक्शन होता है वहां पे एस ए नोड पाई जाती है. एंड एवी नोड क्या है. एवी नोड इज ए मिड लाइन स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द इंटर आर्टीरियल सेप्टम. एस एवी नोड इज द मिड लाइन स्ट्रक्चर. जो एवी नोड होता है वो मिड लाइन में पाया जाता है. मिड लाइन का स्ट्रक्चर होता है एक्सटेंडिंग फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द इंटर आर्टीरियल सेप्टम एक्सटेंड एंड पेनिट्रेटिंग द एनुलर फाइब्रस एंटीरियरली. जो एवी नोड है वो कहाँ पे पाया जाता है. एवी नोड पाया जाता है यहाँ पे. तो एट्रियो इंटर आर्टीरियल सेप्टा जो इंटर जो दोनों एट्रियम है ये एट्रियम ये एट्रियम इंटर आर्टीरियल सेप्टम से इंटर आर्टीरियल एक्सटेंडिंग फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द इंटर आर्टीरियल सेप्टल. जो ये इंटर आर्टीरियल सेप्टल यहाँ पे होगा ठीक है. तो इंटर आर्टीरियल सेप्टल के राइट साइड सिचुएटेड होता है एवी नोड. ठीक है. अब आ जाते हैं स्टार्लिंग लॉ ऑफ द हार्ट क्या है. स्टार्लिंग लॉ और फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ ऑफ द हार्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रोक वॉल्यूम एंड इन डायस्टोलिक वॉल्यूम. जो स्टार्लिंग लॉ होता है अथवा इसको फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ भी बोलते हैं तो ये क्या करता है रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रोक वॉल्यूम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम. स्टार्लिंग लॉ जो होता है जो रिप्रेजेंट रिलेशनशिप प्रेजेंट करता है स्ट्रोक वॉल्यूम में एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम में. स्ट्रेच ऑफ द कार्डियक मसल्स में स्ट्रेच हो जाना मतलब जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा उसकी मसल्स में स्ट्रेच हो जाना फ्रॉम इन डायस्टोलिक वॉल्यूम की वजह से जो कार्डियक मसल्स में स्ट्रेच हो जाएगा काजेज एंड इंक्रीज इन द फोर्स ऑफ द कॉन्ट्रेशन. उस इन डायस्टोलिक वॉल्यूम की वजह से जो कार्डियक मसल्स में राइट वेंट्रिकल की कार्डियक मसल्स में स्ट्रेच होगा उसकी वजह से फोर्स ऑफ द कॉन्ट्रेक्शन इंक्रीज हो जाएगा. जो कॉन्ट्रेक्शन होता है उसमें फोर्स बढ़ जाएगा. कॉन्ट्रेक्शन स्ट्रेच होने की वजह से जो फोर्स होगा वो बढ़ जाएगा जिसकी वजह से कॉन्ट्रेक्शन भी फोर्सफुली होगा प्रोड्यूसिंग ग्रेट स्ट्रोक वॉल्यूम जिसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. तो स्ट्रेच ऑफ द कार्डियक मसल्स में स्ट्रेच हो जाने की वजह से क्यों हो जाता है कार्डियक मसल्स में इन डायस्टोलिक वॉल्यूम जो डायस्टोल की इंड में जो ब्लड रस वेंट्रिकल में आता है इंड डायस्टोल खत्म होने की तक जो इन ब्लड आ जाता है वेंट्रिकल में उसे बोलते हैं इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम. काज इंक्रीज इन द फोर्स उसकी वजह से जिसकी वजह से फोर्स ऑफ द कॉन्ट्रेक्शन भी बढ़ जाता है. फोर्स ऑफ द कॉन्ट्रेक्शन बढ़ेगा तो कार्ड स्ट्रोक वॉल्यूम भी
बढ़ जाएगा, जो स्ट्रोक वॉल्यूम है उसकी मात्रा भी बढ़ जाएगी। देयर इज फॉल इन इंटरथोरेसिक प्रेशर ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन दैट टेंड टू प्रमोट वेनस फ्लो इन टू द चेस्ट प्रोड्यूसिंग एंड इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ द ब्लड थ्रू द राइट हार्ट। देयर इज ए फॉल इन द इंटरथोरेसिक प्रेशर, द इंटरथोरेसिक प्रेशर में गिरावट आने से ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के दौरान जो होगा इंटरथोरेसिक प्रेशर में गिरावट, मतलब चेस्ट वॉल में या हार्ट में और लंग्स में जो प्रेशर होगा वो कम हो जाए। दैट टेंड टू प्रमोट वेनस फ्लो, जिसकी वजह से वेनस रिटर्न की कंडीशन बढ़ जाएगी, वेनस फ्लो होने लगेगा चेस्ट में। प्रोड्यूसिंग एंड इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द राइट हार्ट, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा और जो राइट हार्ट के थ्रू होगा, ठीक है, जो वेनस ब्लड होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, राइट हार्ट के थ्रू, वेना के सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू ब्लड आएगा एंड राइट एट्रियम तक पहुंच जाएगा, राइट एट्रियम से ओवरऑल हार्ट में सर्कुलेट हो जाएगा। हीमोडायनेमिक इफेक्ट ऑफ द रेस्पायरेशन, जो हीमोडायनेमिक इफेक्ट ऑफ द रेस्पायरेशन में क्या होगा, जेवीपी जुगलर वेनस पल्स में इंस्पायरेशन के दौरान जुगलर वेनस पल्स क्या होगी, कम हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, जुगलर वेनस पल्स प्रेशर कम हो जाएगा। एक्सपायरेशन के दौरान जुगलर वेनस पल्स बढ़ जाएगा। एंड बीपी, बीपी में क्या चेंजेज होगा, इंस्पायरेशन के दौरान बीपी में फॉल होगा, बीपी में गिरावट आएगी ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। एंड एक्सपायरेशन में क्या होगा, एक्सपायरेशन के दौरान बीपी बढ़ जाएगा। हार्ट रेट में क्या चेंजेज आएंगे, हार्ट रेट में ड्यूरिंग इंस्पायरेशन हार्ट रेट क्या होगी, बढ़ी हुई महसूस होगी। एंड एक्सपायरेशन के दौरान हार्ट रेट क्या है, घटी हुई होगी।